हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। हम हिंदी व्याकरण को लिए हुए थे और हिंदी व्याकरण के अंदर हम पढ़ चुके हैं वर्ण व्यवस्था, यानी कि वर्ण विचार और संधि। आज हम बात करेंगे भाषा की दूसरी इकाई, यानी कि भाषा का दूसरा अंग, शब्द विचार। आज का हमारा अध्याय है शब्द विचार। देखिए, हम शब्द विचार को पढ़ेंगे बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही विस्तृत ढंग से हम शब्द विचार को पढ़ने वाले हैं। देखिए, सब जब हम शब्द शब्द विचार शुरू करते हैं तो पहला ही सवाल उठता है कि शब्द होता क्या। देखिए, शब्द होता क्या है, शब्द क्या होता है। देखिए, वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं? शब्द। जैसे कि उदाहरण देखें, हम लेते हैं वर्ण क, वर्ण ए, वर्ण में, वर्ण ए। जब क के साथ संयोग करेंगे तो हो जाएगा क, और मैं का ए के साथ संयोग करेंगे हो जाएगा मैं। जैसे कि कम, और कम का अर्थ निकलता है, हम ले सकते हैं अल्प में, यानी कि कोई चीज कम होती है उस कम के योग में हम कम का प्रयोग कर सकते हैं, अल्प के योग में हम कम ले सकते हैं। देखिए, और वो वर्ण होंगे कितने? दो या दो से अधिक, दो या एक, इसके आगे और जोड़ सकते हैं आप कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग को हम शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि भाषा की अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी छोटी इकाई हम पढ़ चुके हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, लेकिन वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। और देखिए, भाषा के तीन अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य, वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। यदि पूछ लिया जाए कि अर्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग होते हैं, तो अर्थ के आधार पर भाषा के दो अंग होते हैं, शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य, और शब्द वाक्य से छोटा होता है, इसलिए अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्या होती है? शब्द होती है। क्या होती है? शब्द होती है। अब हम बात कर चुके हैं शब्द क्या होता है, शब्द के ऊपर हम विस्तृत बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे विचार, यानी कि शब्द विचार क्या होता है। शब्दों का शुद्ध लेखन, शब्दों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई, शब्दों के प्रकार, इन सब अध्यायों का जब हम वर्णन करते हैं तो वो कहलाता है शब्द विचार। वो कहलाता है शब्द विचार। देखिए, शब्द विचार के अंतर्गत हम कौन कौन से अध्याय पढ़ने वाले हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। शब्द के अंदर इस अध्याय के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, शब्द विचार के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको एक विस्तृत, यानी कि एक संक्षिप्त सी संरचना आपको दे रहा हूं। देखिए, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति, यानी कि शब्दों की उत्पत्ति, उत्पत्ति कैसे हुई। हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। हम पढ़ेंगे
शब्दों का विकार, यानी कि शब्दों का विकार के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। देखिए उत्पत्ति के अंदर हम पढ़ने वाले हैं तत्सम, तत्सम शब्द पढ़ने वाले हैं, तद्भव, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज, और एक आखिरी होता है संकर शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। और इसको हम संरचना के आधार पर भी कह सकते हैं, संरचना या रचना के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर शब्द, संरचना या रचना के आधार पर शब्द भी रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ होंगे। अर्थ के आधार पर हम पढ़ेंगे सार्थक और एक होता है निरर्थक। सार्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ ना हो। सार्थक के अंदर हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। विकारी के अंदर हम पढ़ेंगे दो प्रकार के, एक होता है विकार के आधार पर विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे संज्ञा यानी कि जिसको हम संज्ञा कहते हैं, हम पढ़ेंगे सर्वनाम, हम पढ़ेंगे विशेषण और हम पढ़ेंगे क्रिया। अविकारी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण और हम पढ़ेंगे तीन अव्यय, तीन अव्यय पढ़ेंगे, क्यों कौन कौन से, संबंध व संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय समुच्चय बोधक अव्यय और एक हम पढ़ेंगे विस्म्यादी, विस्म्यादी बोधक अव्यय। देखिए ये इसका संक्षिप्त एक छोटी सी स्ट्रक्चर है कि वर्ण शब्द व्यवस्था के अंदर हम शब्द विचार के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो लगभग लगभग हिंदी व्याकरण शब्द विचार के अंदर अधिकतर हिंदी व्याकरण इस अध्याय के माध्यम से हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द पढ़ेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ शब्द पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों में पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, निरर्थक शब्द। विकारी शब्द में हम पढ़ेंगे विकार के आधार पर होते हैं दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। अविकारी के अंदर पढ़ेंगे हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और अविकारी के आधार पर हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्म्यादि बोधक अव्यय। देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्रत्येक के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे, एक एक को इसके ऊपर चर्चा करेंगे, फिर इसके ऊपर लेके आएंगे, फिर इसके ऊपर, फिर इस पे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे की क्लासों में, आगे की कक्षाओं में हम इनके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।